ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनता का फैसला आपके सामने है। मैं बात करूं पहले रुझानों की, 542 सीटों पर रुझान सामने है, जिसमें 342 पर एनडीए आगे है, 86 पर यूपीए और 114 पर अन्य। गेस्ट का स्वागत करेंगे, उनसे बात करेंगे। उससे पहले एक बार आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर काउंटिंग चल रही है और जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर वहां मौजूद हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। राठौर मौजूद है, जिनको एक बार बीजेपी को पुनः बेहतरीन बहुमत मिला है। राठौर साहब, क्या इस प्रकार के बहुमत की अपेक्षा थी, क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार एक साथ मिलकर इनकी चुनाव मैदान में उतरा? हमने तो शुरू से ही कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के काम पर हमें विश्वास था। हम विकास की राजनीति, एक बहुत पॉजिटिव डायलॉग को लेकर देशवासियों के पास गए, लेकिन अफसोस की बात है कि इस देश के जो विपक्ष है उसने जो जिस तरह की चर्चा इस राजनीतिक डिस्कोर्स में शुरू करी, वो बिल्कुल घटिया दर्जे की चर्चा शुरू करी, लेकिन नागरिकों ने उसको बिल्कुल नकार दिया। और ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, मैं देश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जिस प्रकार कर्नल राजवंत सिंह राठौड़ ने कहा कि बीजेपी एक बार सुने पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनानी जा रही है, जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ लोकेश ओला एवं। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, राजवंत सिंह राठौड़ का कहना है, हमने यही कहा था और वही साबित होता दिखाई दे रहा है।